हेलो चुनाव आयोग, कहाँ हो भाई? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। जिंदा हो या स्वर्ग से धार गए? बेच तो नहीं दी वो चीज जिसे रीढ़ कहते हैं? स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा। और क्या आप जानते हैं, एक बार फिर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुगले आजम पूरे देश ने देखा दूरदर्शन पर, जिसे कहते हैं मैं भी चौकीदार। सरकारी मशीनरी का एक बार फिर दुरुपयोग हुआ, मगर हर बार की तरह चुनाव आयोग अब भी सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। क्योंकि न सिर्फ सरकारी मशीनरी दूरदर्शन पर इसे दिखाया गया, बल्कि तमाम मीडिया चैनल्स ने भी इसे जमकर दिखाया। यानी कि आचार संहिता को आचार के डिब्बे में डाल दिया गया है। मगर यह चीज आपको हैरत में नहीं डालनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि चुनाव के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर यह फिल्म भी रिलीज हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी। और इसको लेकर कहीं पर कोई तकलीफ, कोई चिंता चुनाव आयोग के जहन में नहीं। यही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ईरोस नाउ पर इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जिसका नाम है मोदी अ जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। मगर आज की हमारी इस प्रस्तुति में हम आपको बताने वाले हैं कैसे चौकीदार ने पूरे देश को अप्रैल फूल बनाया है। मौका भी है, दस्तूर भी। तो इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जो लोग मैं भी चौकीदार है की आलोचना या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दरअसल उनकी सोच बहुत सीमित है। प्रधानमंत्री के मुताबिक चौकीदार कौन है, आप भी सुनिए। वो भी जो शहर में है, वो भी जो पढ़ा लिखा है, वो भी जो अनपढ़ है, वो भी जो पुरुष है, वो भी जो महिला है, वो भी जो खेत में काम करता है, वो भी जो डॉक्टर है, वो भी जो शिक्षक है, वो भी समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है। प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात आपको बता दूं, चौकीदार कौन होता है पहले तो आप यह समझ जाइए। चौकीदार वो शख्स होता है जो आपके घर के बाहर, आपकी सोसाइटी के बाहर, आपके बैंक के बाहर पहरा देता है। ये जो चौकीदार होता है ना, वो इसलिए चौकीदार बनता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है। दूसरी चीज, इस चौकीदार पद के लिए आपको किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। तीसरी बात, मोदी जी, इसके लिए कोई काबिलियत की जरूरत नहीं है। चौकीदार बनना अमूमन अधिकतर लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको कहीं और नौकरी नहीं बनती है या मिलती है। यानी कि आपने मजबूरी को पूरे देश का प्रतीक बना दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने आप पर हमला किया था, चौकीदार ही चोर है, और आपने ये लकड़ी देश की जनता पर डाल दी। और देश की जनता इतनी समझदार है कि वो अपने नाम के आगे चौकीदार लगाकर घूम रही है। तो इसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने या चौकीदार ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। दोस्तों, पिछले 4 सालों में हुआ क्या है? हमारे सपनों को खत्म किया गया है। उम्मीद से दोगुना उसकी उम्मीद करना, उसे खत्म किया गया है। हमारे सपनों की उड़ान के पर कतरे गए हैं। यही तो वजह है दोस्तों कि इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट रेलवे के ग्रुप डी हेल्पर्स की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे पहले कभी आपने सुना था ऐसा? 3,700 पीएचडी होल्डर्स पीयून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे हैरत वाली बात, 4,600 इंजीनियर्स और एमबीएस, 14 स्वीपर्स यानी कि झाड़ू मारने वालों के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बता दिया ना आपने, पूरे देश को चौकीदार। उनकी उम्मीदें, यानी कि हमें तो तरक्की करना चाहिए ना, कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं तो आप तरक्की करिए मिडिल क्लास बनने की, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप अपर मिडिल क्लास की तरफ जाएं, और भी ऊपर जाएं,
मगर यहां पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियर्स, एमबीएस, पीएचडी, ये लोग पीयून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, वाह मोदी जी वाह, इससे अच्छा अप्रैल फूल्स गिफ्ट आखिर क्या हो सकता था। और जैसे कि पाश ने कहा भी है ना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जी हां, चौकीदार सवालों से डरता है, और हम आपसे बताते हैं क्यों। दोस्तों, कल एक और न्यूज चैनल का लॉन्च हुआ, उसका नाम है TV9 भारतवर्ष। और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस चैनल में आकर अपना एक संबोधन किया, मगर इस संबोधन से पहले जब उनका स्वागत करने चैनल के मालिक पहुंचे, TV9 के मालिक पहुंचे, जिनमें उनके ग्रुप एडिटर विनोद कापड़ी भी शामिल थे या इनके एडिटर रवि प्रकाश भी शामिल थे, जब ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करने पहुंचे, तो सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, इसको जीने में बेचारा उनकी आत्मा मर जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इनके तो खून में है इनका विरोध करना। दरअसल निशाना है किस पर लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। निशाना है विनोद कापड़ी पर, जो एक फिल्म मेकर थे, शुरू में पत्रकार थे, बाद में फिल्म मेकिंग में चले गए, और पिछले 5 सालों से ये पत्रकार नहीं थे, सिर्फ ट्विटर पर अपनी निजी राय रख रहे थे। प्रधानमंत्री अपनी बौखलाहट, अपनी नाराजगी विनोद कापड़ी को लेकर दिखा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत हैरत में डालने वाली बात है दोस्तों। विनोद कापड़ी पिछले 5 सालों से एक पत्रकार की तरह नहीं, बल्कि इस देश के नागरिक के तौर पर सरकार के कामों पर टिप्पणी कर रहे थे। प्रधानमंत्री को यह भी गंवारा नहीं है, प्रधानमंत्री को आलोचना भी बर्दाश्त नहीं है। तो पहली अप्रैल के मुबारक मौके पर, यानी अप्रैल फूल्स डे पर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह तक कह डाला कि वाड्रा को जेल में डालना उनकी योजना में नहीं था। जी हां भक्तों, तो बजाओ ताली। रॉबर्ट वाड्रा को हम जेल में डालेंगे कभी नहीं था, हमने ये कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान टाइम्स के बॉबी घोष को हेट ट्रैकर नाम के एक फॉर्मेट को शुरू करने के लिए नौकरी से निकाला जाता है, तो क्या आप उसे सामान्य मानेंगे? जब पौरंजय गुहा ठाकुरता को नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो क्या यह उसी सोच का एक्सटेंशन नहीं है? जब हरीश खरे को आधार पर स्टोरी करने के बाद ट्रिब्यून से इस्तीफा देना पड़ता है, तो क्या आप इसी सोच का नतीजा नहीं मानेंगे? या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी को दूसरी बार नौकरी छोड़नी पड़ती है, या फिर जी हां। तो मैं आपके सामने यही कह रहा हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचना बर्दाश्त नहीं है। जी हां, वो उनसे कोई सवाल करे वो तक बर्दाश्त नहीं है, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि चौकीदार सवालों से डरता है। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने कि बालाकोट आपका नहीं, सैनिकों का काम है। हालांकि मैंने अपनी एक प्रस्तुति में आपकी तारीफ भी की थी, मैंने कहा था कि यकीनन अगर हमने LOC को पार किया और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट तक गए हैं, तो यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प सामरिक कदम था। मगर जब आप ये कह रहे हैं कि बालाकोट सैनिकों का काम था, तो कृपया इन सवालों के जवाब भी दे दीजिए लगे हाथों। कौन कौन से सवाल हैं? सबसे पहला सवाल, 300 किलोग्राम विस्फोटक लेके आखिरी आतंकवादी हमारे जवानों तक पहुंचा कैसे? वो जवान सामान्य बसों में क्यों जा रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियों में क्यों नहीं? सवाल नंबर दो, तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद आखिर उस पर एक्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट CRPF को भी दी गई थी, सेना प्रमुख को भी दी गई थी, बावजूद इसके ये हुआ ऐसा क्यों मोदी जी? सवाल नंबर तीन, भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत क्यों कर रही है, और आपसे बेहतर इसके बारे में कौन जा सकता है? क्यों? क्योंकि बालाकोट के बाद, ये कहा जाए पुलवामा के बाद, आप मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम कर रहे थे, आपने उसे कैंसिल भी नहीं किया, और गोदी मीडिया ने या इस देश की जनता ने उस पर सवाल तक नहीं उठाया। इसके अलावा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद कि आप पुलवामा का, सेना का इस्तेमाल चुनावी कैंपेनिंग में नहीं करेंगे, क्या वजह है मोदी जी कि चाहे वो आप हो, चाहे अमित शाह हो, या आपके स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ हो, ये तमाम अपनी हर भाषण में क्यों पुलवामा का नाम लेते हैं,
क्यों हमारे सैनिकों का सहारा ले रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों का पालन करना आपका फर्ज नहीं है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह कहा जाए चौकीदार जी ने आपको मूर्ख नहीं अप्रैल फूल जो है कई तरीकों से बनाया, सिर्फ ये नारा देकर नहीं, एक बाकायदा गाना बनाकर। मगर देखिए, हम न्यूज़क्लिक में हमारी एक बहुत बुरी आदत है, हम प्रोपेगेंडा को उसके फेस वैल्यू पे नहीं लेते। जी हाँ, हम प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं। तो इस जो गाना है, जो मैं भी चौकीदार है, इसको हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, इसकी जो तस्वीर है वो बदल दिया है, शब्द इनके हैं, भावनाएं हमारी हैं। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन। ये देश, ये मेरा वतन, ये मेरा घर, मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, के भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। तो उस चौकीदार में देश की जनता, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों, दलितों, दबे कुचलों का भरोसा कैसे होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ दादरी में रैली करते हैं और उनकी रैली में सबसे आगे वाली पंक्ति में अकलाक की हत्या का आरोपी विशाल राणा बैठा होता है। विशाल राणा का यह भी दावा था इसमें कि जो 19 आरोपी थे उनमें से 16 इस रैली में मौजूद थे। आप देखिए, व्हाइट शर्ट में बैठा ये विशाल राणा किस तरह से योगी योगी के नारे लगा रहा है। धन्यवाद आप सभी को। तो ऐसे चौकीदार होंगे तो हम सबकी रक्षा तो जरूर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्ममंथन की मुद्रा में भी दिखाई दिए, वो बात जो मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने क्या कहा कि हमें दुनिया की बराबरी करनी है, हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो तो अपनी मौत मरेगा, उसको छोड़ दीजिए, हम आगे निकल चलें। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बात तो आपको अपने सांसदों को समझाना चाहिए। माननीय गिरिराज सिंह जो बात बात पर लोगों को पाकिस्तान जाने की बात कहते थे, लोग रोक रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान प्रस्त हैं वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। यही नहीं दोस्तों, आपके जो पसंदीदा न्यूज चैनल्स हैं या जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो प्राइम टाइम में क्या दिखाता है? सिर्फ भारत पाकिस्तान। और यही नहीं, पाकिस्तान को गाली दे देकर आप अपनी सियासत यहां भुनाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी बात है प्रधानमंत्री, अगर आज इस वक्त आप आत्ममंथन की मुद्रा पर हैं। मगर सुनिए खांडवा के सांसद की ये राय। एक पत्रकार ने महज इनसे सवाल पूछा, मगर माननीय को यहां पर भी पाकिस्तान की याद आ गई। मोदी के खिलाफ कोई लहर चली है क्या, आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? ये आपको कोई पाकिस्तान की रेडियो की खबर आपके पास आई होगी? तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा समर्थक दरअसल भारतीय जनता पार्टी में ही मौजूद हैं। वरना आपको याद है ना, ये शख्स जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है, पता चला कि ये एक ISI एजेंट था, तो क्या कहिएगा? दोस्तों सच तो ये है कि मोदी जी ने अपने तमाम समर्थकों को
जो अपने नाम के आगे चौकीदार लगाकर फिर रहे हैं, उन सबको अप्रैल फूल बनाया है, सबको मूर्ख बनाया है। मगर आप कहेंगे कि क्या यह अचानक हुआ? नहीं दोस्तों, पिछले 5 सालों से बाकायदा अलग अलग मोर्चों के जरिए इसकी नींव रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री बहुत कुछ ऐसा कहते थे जिस पर हम सवाल नहीं किया करते थे, और नतीजा यह है कि आज आप खुद को चौकीदार बताकर ही खुश हैं। आज मैं एक एक करके आपके सामने मिसाल दूंगा, प्रूफ करूंगा कि किस तरह से 5 साल में इसकी नींव रखी गई थी। मुद्दा नंबर एक, देखिए 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, मगर अब पकोड़े बेचने को ही उपलब्धि बता दी। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मुद्दा नंबर दो, बेचारा अलेक्जेंडर तो भारत की सीमा पर आकर दम तोड़ गया, पंजाब से पहले ही दम तोड़ गया, मगर प्रधानमंत्री ने एक रैली में बाकायदा इन्हें पटना तक पहुंचा दिया था। धरती उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, और जब बिहार से लोहा लेने की बात आई तो क्या हुआ मित्रों? मुद्दा नंबर तीन, जलवायु परिवर्तन में पूरी दुनिया में इस पर मंत्रणाएं चल रही हैं, लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, मगर सुनिए प्रधानमंत्री के मुताबिक क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। मुद्दा नंबर चार, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, कर्ण का स्टेम सेल रिसर्च के जरिए वो पैदा हुए थे। आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं, और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। दोस्तों, हम सबकी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, मगर धार्मिक मान्यताएं जो होती है ना वो हमारा निजी विश्वास होता है, उसे कभी भी हमें वैज्ञानिक सोच के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने तरक्की के रास्तों को रोक देंगे, बतौर राष्ट्र हम बढ़ना छोड़ देंगे अगर इस तरह की बातें हम करेंगे। और इस तरह की बातें कौन कर रहा है? वो शख्स जो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। यही नहीं दोस्तों, राजनीतिक शालीनता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने विपक्षी दलों को शराब तक करार दे दिया है। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। दोस्तों, मैं आपके सामने ढेरों ऐसी मिसालें दे सकता था, मगर आप जानते हैं वक्त की कमी है, हमारी अपनी जो है लिमिटेशंस हैं वक्त को लेकर। तो ये कहना गलत नहीं है कि 1 अप्रैल ही नहीं, पिछले 5 सालों से बाकायदा राजनीतिक तौर पर देश की जनता को अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। अभी आप पर है कि आप अप्रैल फूल बन भी रहे हैं, मगर याद रखिएगा जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी उसके बाद यू टर्न की गुंजाइश तक नहीं बचेगी। और न्यूज चक्र में हम ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लाते हैं।
मेरी आप सबसे अपील कि आप इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।